हेलो एवरीवन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षकों की सीधी भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कोई भी जो है परीक्षा आपकी नहीं होगी, ना ही कोई इंटरव्यू रहेगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा? यहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। आपकी जितने भी क्वालिफिकेशन में जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर आप लोगों की मेरिट निकलेगी और चयन किया जाएगा। वेतन यहाँ पर जो है 22,000 पर मंथ आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी चीजें हम डिटेल में नोटिफिकेशन में देखेंगे, मेन वेबसाइट पर जो कि जारी कर दिया गया है। जो भी चीजें ऑथेंटिक होती है मेन वेबसाइट पर आ जाती है। बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमरोहा में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गौर से यह वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है। आपको पता है कस्तूरबा विद्यालय में पहले शिक्षक और शिक्षिका दोनों की ही वैकेंसी आती थी, बट इस बार जो है वो केवल यहाँ पर महिलाओं की ही वैकेंसी निकाली जा रही है। और बहुत सारे जिलों से वैकेंसी लगातार आई है। जैसे जैसे रिक्त पद जो है आते जाएंगे, वैसे वैसे जो है विद्यालयों से वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि इनका उद्देश्य ही है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सभी को जो है वो शिक्षा मिल सके, ऐसा जो है अभियान चलाया जाए। तो ये जो है कस्तूरबा विद्यालय केवल बालिका विद्यालय होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर केवल जो लेडी टीचर हैं उन्हीं को रखा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें विषय की, तो अंग्रेजी विषय की वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत की है, शारीरिक शिक्षा की है, सहायक रसोईया की वैकेंसी है। सैलरी जो है वो 22,000 प्रति माह आप लोगों को मिलने वाली है। अंशकालिक जो शिक्षिका है शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, जो कि 9,800 प्रति माह यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता की बात करें, तो अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत या शारीरिक शिक्षा के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पर जो है ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में जो है आप लोगों के पास बीएड होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप लोगों ने टेट पेपर 2 क्लियर किया हो, ठीक है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका सी टेट या फिर आपका स्टेट टेट पेपर 2 अगर क्लियर है, तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत ही जो है वो अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि ये वैकेंसी जो है वो संविदा के आधार पर निकाली जाती है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, कस्तूरबा विद्यालय में स्टार्टिंग में संविदा के आधार पर ही वैकेंसी आती है। यहाँ पर जो है अगर जो स्टूडेंट 11, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, जो स्टूडेंट जो है यहाँ पर जिस पद के लिए आवेदन करते हैं 11 माह 29 दिन के लिए जो है आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद आपके पद को आगे बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अभी तक जो है यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को आवेदन कैसे करना होगा, तो आवेदन करने के लिए जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो बिल्कुल नीचे दिया हुआ है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद कानपुर देहात, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, उत्तर प्रदेश से काफी वैकेंसी जो है वो कस्तूरबा विद्यालय की आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आवेदन उन्होंने जिन जिलों से पहले जारी कर दिया गया था, तो उनकी लिस्ट जो है वो बिल्कुल लगातार आ रही है हर जिले वाइज। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पर वीडियो को देखकर आवेदन किया है, तो लिंक जो है वो हर वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो उस लिंक पर जाकर आप लोग बिल्कुल चेक करें कि आप लोगों के जो सत्यापन, जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो कब है, ठीक है। ये चीज जो है वो बिल्कुल आप लोग देखें, क्योंकि जिले वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसे आप लोग जो है डाउनलोड करके फिल कर लेंगे, ठीक है। भरने के बाद आप लोगों को क्या करना है, दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। यहाँ पर जो है आप लोगों का केवल ₹45 का डाक टिकट जो है वो आप लोगों को लगाना होगा। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्व प्रमाणित कलर फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा, यानी कि आप लोगों को उस पर लगानी है। उसके बाद समस्त शैक्षिक अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जाति और निवास प्रमाण पत्र, अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी फोटो कॉपी स्व प्रमाणित हो संलग्न किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर ₹45 का डाक टिकट होगा। ये रहा एड्रेस। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट ही जो है वो आप लोग करें, सिंपल पोस्ट नहीं करें। जिन विद्यार्थियों ने सिंपल पोस्ट किया था तो उनके बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस रहेगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, अकबरपुर माती रोड, पिन कोड 209101, दिनांक 2/11/2023 से लेकर 20/11/2023 को शाम 5 बजे तक प्रेषित
किए जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 20 नवंबर जो है वो बिल्कुल लास्ट डेट है अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो निरस्त हो जाएंगे। अगर कोई गलती भी करते हैं आवेदन पत्र में, त्रुटिपूर्ण कटिंग या वाइटनर अगर लगाते हैं तो इस अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से जो है भरिएगा। एज की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो है 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 45 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए। आयु की गणना का चयन जो है 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा। समस्त पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही जो है वो आवेदन कर सकती है। बाकी शिक्षकों के जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, शिक्षक के पद के लिए जो है मेरिट के आधार पर चयन होगा, कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा है सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा और का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। बाकी जो है शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, कला हेतु 20 अंक, अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे। शिक्षकों की अगर हम बात करें तो सीधा सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ एग्जाम इंटरव्यू नहीं होगा। तो सारी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। 20 नवंबर तक जो है आप लोग आवेदन करें। मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग यहाँ पर पहुँच सके। तो अगर मैं यहाँ पर मेन वेबसाइट पर हम जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर देहात, ये मेन वेबसाइट है, कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आवेदन पत्र। ये नोटिफिकेशन लिखा है सबसे ऊपर आया है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अमरोदा इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड नॉन टीचर्स, ठीक है, ये है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और आपके सामने पूरा जो है विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आप आएंगे तो ये होगा आप लोगों का आवेदन पत्र का प्रारूप। बहुत ही साधारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो कि आप फिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसे ही जो है आप लोग डाउनलोड करेंगे और बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए, ऐसी ही वैकेंसी अगर आती है जो कि स्टूडेंट को जानकारी नहीं मिल पाती है तो बिल्कुल आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।